नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुलाम नबी आज़ाद ने जब से कांग्रेस से आज़ादी हासिल की है, यानी कि इस्तीफा दिया है, तब से वो कांग्रेस पे काफ़ी अटैकिंग मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनके समर्थन में एक के बाद एक इस्तीफे आ रहे हैं, इससे पार्टी को काफ़ी झटका लग रहा है। शुक्रवार को गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने एक जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। और आज़ाद की पार्टी छोड़ने के बाद से कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। आज कांग्रेस के तीन और नेताओं ने, जिनमें एक पूर्व विधायक और दो पूर्व MLC शामिल हैं, उन लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज़ाद के समर्थन में कांग्रेस छोड़ने वालों में पूर्व स्पीकर गुलाम हैदर का नाम भी है। वे कठुआ के बानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और उनके अलावा कांग्रेस के दो पूर्व MLC सुभाष गुप्ता कठुआ से और श्यामलाल भगत डोडा से, इन दो लोगों ने आज आलाकमान को अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी कि आज कुल तीन इस्तीफे दिए गए हैं। तीनों ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। आज़ाद का कांग्रेस को छोड़ना पार्टी के लिए काफ़ी बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरीके से लगातार इस्तीफे आ रहे हैं, दो दिन पहले भी आज़ाद के समर्थन में 6 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिनमें GM सरूरी, हाजी अब्दुल रशीद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी, चौधरी मोहम्मद अकरम और RM चिप का नाम शामिल था। ये सभी नेता कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं और सभी नेताओं ने खुल करके आज़ाद का समर्थन किया था। पार्टी छोड़ने के बाद से ही आज़ाद और कांग्रेस के बीच काफ़ी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। गुलाम नबी आज़ाद ने इस बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोला और कहा कि पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता विदेश से हो रही है। जो उनकी टाइमिंग की बात करते हैं, यानी कि जो लोग गुलाम नबी की टाइमिंग की बात करते हैं, उनके पास खुद पार्टी के लिए टाइम नहीं है। आज़ाद ने ये भी कहा कि घर गिर रहा है, अब खंभे भी गिर रहे हैं, उनमें दब के मरने से अच्छा है कि बाहर निकल जाएं और जिन लोगों को यहाँ पर सती होना है वो लोग यहाँ रहें। अच्छा, दो दिन के बाद फिर से एक बार गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब भी दिया। उन्होंने पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया, ऐसा उन्होंने कहा मीडिया के सामने। इसके अलावा कई मुद्दों पे उन्होंने बात की और कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस पार्टी में अनपढ़ लोगों की जमात इकट्ठा हो चुकी है। दरअसल जब उनसे ये पूछा गया कि वो नई पार्टी बनाने के बाद जरूरत पड़ने पे BJP के साथ जाएंगे, तो उस पर उनका जवाब था कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है और ख़ास तौर पे जो लोग क्लर्की करने के लिए बैठे हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर को जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं BJP के लिए एक भी वोट की अपील नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने आखिरी लाइन आपसे शेयर की है कि मैं BJP के लिए एक भी वोट की अपील नहीं कर सकता हूँ, ये उनका कहना है, लेकिन जब सत्ता में उनको जाना होगा तो ये उनका जो बयान है ये बदल भी सकता है और नहीं भी। हालांकि अब उन्होंने खुले तौर पे ये कह दिया है कि वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और लगातार वो पार्टी पे हमला बोल रहे हैं, आरोपों का दौर चल रहा है। कभी वो सोनिया गांधी को आरोप लगा रहे हैं कि वो विदेश में बैठ करके पार्टी को चला रही हैं, तो कभी वो राहुल को कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश किया है। तो इस तरीके से पार्टी में रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी से जब से वो बाहर निकले हैं, आज़ाद हुए हैं, तब से वो लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं और साथ ही उनके समर्थन में बहुत सारे लोग उनके समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी से। तब देखना यह है कि वो आगे क्या करते हैं, क्योंकि
गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा चेहरा थे, और जो छोटे मोटे लोग हैं जिन लोगों ने इस साल के शुरुआत से ही इस्तीफे देने शुरू कर दिए थे, अगर हम एक कपिल सिब्बल को छोड़ दें तो बाकी जो लोग हैं उनका इतना उनकी इतनी अहमियत नहीं है उनके जाने रहने से, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने से काफ़ी कुछ पार्टी पे फ़र्क पड़ रहा है। इसीलिए ये सारी कवायद भी हो रही है, आरोप लग रहे हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।